बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है, हमें किसने पैदा किया। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े हमें एक ही जवाब देते हैं, अल्लाह ने पैदा किया। अच्छा, हम यहीं पे इक्तफा नहीं करते, वी स्टार्ट थिंकिंग देन हु हैज़ क्रिएटेड अल्लाह। तो मेरा जवाब ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो लाजमी तौर पर अल्लाह को उस अल्लाह ने पैदा किया जो इस अल्लाह से भी बड़ा अल्लाह है। तो फिर उस बड़े अल्लाह को किसने पैदा किया, वो अल्लाह जो इससे भी बड़ा अल्लाह होगा। तो ये अगर हम सिलसिला चलाते जाएं तो आखिर एक जगह हमें स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँ, ये वही अल्लाह है जिस पर हम ईमान रखते हैं। वही अल्लाह हमारा मालिक है, खालिक है, राजिक है, और उसने हम सबको पैदा किया। लेकिन हमारे जहन में चूंकि कन्फ्यूजन हमेशा रहती है, ऑल द टाइम वी आर कन्फ्यूज्ड, आवर किड्स आर कन्फ्यूज्ड। हम बड़े भी अक्सर सोचते हैं, अच्छा हैरत की बात है, हम हमेशा तहकीक करते हैं, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं कि हमें किसने पैदा किया और क्या अल्लाह है। आज तक कभी किसी ने ये रिसर्च नहीं की कि क्या शैतान है, कभी किसी ने नहीं सोचा। ज़रा सोचिए कि अगर हम ये सोचते हैं कि क्या अल्लाह है, तो बताइए कायनात कैसे खुद ब खुद चल रही है। कभी सोचा, कभी कोई कार खुद ब खुद बनी, फर्नीचर खुद ब खुद बना, कश्ती खुद ब खुद बनी, कोई चीज़ दुनिया की बताएं जो खुद ब खुद बन जाती हो, नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कायनात जो हमारे जहन में समा ही नहीं सकती, वह खुद ब खुद कैसे बन गई, मुमकिन ही नहीं है। चलो मैं ये मिसाल लेता हूँ कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है। आइए एक तजुर्बा करते हैं, एक एक्सपीरियंस करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कैनवस ले ले, पेंट ले, ब्रश ले, डिप करें ब्रश को और स्प्रिंकल करें कैनवस पे, क्या छवि बनेगी। एक और कैनवस ले, 100 ले लें, इन सब पे एक ही टाइम में आप बारी पर टर्न बाई टर्न, नॉट एट अ टाइम, कि आप ब्रश को डिप करते उसके बाद उस पर स्प्रिंकल करें, छिड़के उस पर, देखें क्या तस्वीर बनेगी। क्या कोई रीजनेबल तस्वीर बनी किसी 100 कैनवस पर भी, किसी एक में भी बनी, नहीं। तो अगर हम ये सोचें कि इंसान भी खुद ब खुद बना, जानवर खुद ब खुद बन गए, तो ये तो बड़ी रीजनेबल, बड़ी माकूल, बड़ी आंखों को भाने वाली खूबसूरत तस्वीरें बनी हैं, ये तो खुद ब खुद नहीं बन सकती। अच्छा चले हम ये मिसाल लेते हैं कि ये वाकई खुद ब खुद बनी है। तो बताइए जो खुद ब खुद चीज़ बनती है, तो फिर क्या आँखें हमेशा इसी जगह होती, कान हमेशा इसी जगह होते, नाक हमेशा इसी जगह होती, नहीं। हाथ हमेशा इसी जगह होते, नहीं। एक और चले हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि इसी जगह ही बनी है, तो बताइए जो चीज़ अगर ये खुद ब खुद बनती, तो क्या हम आंखों से सिर्फ देखते, फिर तो ये होता कि कभी हम नाक से देख रहे होते, कभी हम कानों से देख रहे होते, फिर तो ऐसे होता, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमें क्या तमाम इंसानों, जानवरों को, चरिंद परिंद सबको किसी एक बहुत ताकतवर हस्ती ने बनाया है, खुद ब खुद नहीं बने, और उस हस्ती का नाम अल्लाह है। और एक और गौर करें, अगर खुद ब खुद बनते तो शेर क्या हमेशा शेर की तरह होता, इंसान हमेशा इंसान की तरह होता, हाथी हमेशा हाथी की तरह होता, चींटी हमेशा चींटी की तरह होती, नहीं, ऐसा कभी ना होती। तो फिर ये क्यों सोचने लग जाते हम कि हमें किसने पैदा किया, क्यों सोचते हम ये। एक और मिसाल लेता हूँ, गौर करें, जैसे किसी मुफक्किर ने कहा था, इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड देन क्रिएट सम गॉड फॉर यू। आप हमेशा किसी न किसी को मुसीबत के वक्त मदद के लिए पुकारते हैं, बच्चा माँ को पुकारता है, बाप को पुकारता है, कभी को थोड़ा सा बड़ा अपने दोस्त को पुकारता है, किसी और हेल्पर को पुकारता है।
तो बताइए, अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, यू आर हेल्पलेस एट दैट टाइम एंड यू आर टोटली डिप्रेस्ड। सपोज आप एक कश्ती में हैं, समंदर में अकेले हैं, कश्ती डूबने वाली है, यू आर गोइंग टू बी ड्राउंड, आप किसको पुकारेंगे? आप लाजमी तौर पर आपको उस वक्त ऐसी हस्ती, मददगार, हेल्पर चाहिए जो ना सिर्फ आपको देख रही हो बल्कि आपको सुन भी रही हो और आपकी मदद करने पर कादिर भी हो। ऐसी हस्ती कौन हो सकती है? सिर्फ अल्लाह। अगर ये खुद ब खुद बनते हैं तो बताइए, बच्चे को रोना किसने सिखाया? बच्चे को दूध के लिए फरमाइश करना किसने सिखाया? मछली पैदा होते ही तैरने लग जाती है, हाउ पॉसिबल? शहद की मक्खी, हैरान कुन मिरेकल, शहद का छत्ता इस तरीके से बनाती है कि शहद नीचे नहीं गिरता, उसके जो बॉक्सेस है उसके एंगल इस तरीके से वो फिट करती है कि शहद लिक्विड होने के बावजूद नीचे नहीं गिरता। और अगर जब कभी गर्मी ज़्यादा हो तो अपने परों से वो उसको ऐसी हवा पहुंचाती है जिससे वो थोड़ा सा सॉलिड की शक्ल इख्तियार करता है और नीचे नहीं गिरता। आप हैरत ज़्यादा हो जाएंगे कि अगर वो 100 मील के फासले पर भी कोई फूल या कोई और अच्छी ऐसे मीठे फल वगैरह देकर आती है, रस चूस के आती है, तो वापस आके अपनी दूसरी साथियों को सिर्फ अपने परों की मूवमेंट से गाइड करती है कि किस एंगल पर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी दूर जाना है, और दूसरी मक्खियाँ उसको समझ भी जाती हैं। हमारी तरह हम तो एक पूरा मैप बना के जाते हैं, तब भी हम दो चार इंसानों से हम पूछते हैं रास्ता, लेकिन आप उसको देखें, अपने परों की हरकत से अपने दूसरी साथियों को वो समझा देती है। उसको ये वही किसने की? सिर्फ अल्लाह ने। आप और गौर करें, जब से कायनात बनी है लड़कों और लड़कियों, मेल फीमेल में खास रेशियो कायम है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ दुनिया में मेल ही मेल हो, फीमेल ना हो, या सिर्फ फीमेल हो, मेल ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर ये खुद ब खुद बनी होती तो एक ऐसा वक्त आता जब सिर्फ मेल होते या सिर्फ फीमेल होती, ऐसा नहीं हुआ। और हर जानवर में मेल फीमेल एक खास रेशियो कायम। और सुने, आप सिर्फ थंब देख लें, इसके ऊपर जो लाइनें बनी हैं, हर इंसान की लाइनें अंगूठे की दूसरे से डिफरेंट है। कोई इतना बड़ा मुसव्विद, अगर ये खुद ब खुद बनती तो क्या पॉसिबल था? अगर मैं किसी एक को कहता हूँ कि आप जी एक इतने से थोड़ी सी सरफेस पे आप ना ज़रा ड्राइंग बनाएं, लाइंस बनाएं, डिफरेंट एंगल्स के साथ, डिज़ाइन के साथ, शेप्स के साथ फॉर्म बनाएं ज़रा, तो कितने की बना लेगा? 50-100। लेकिन यहाँ तो करोड़ों अरबों बनी हुई हैं और कोई इंसान की लकीरें अंगूठे की दूसरे से मैच नहीं कर रही होती, इतना बड़ा मुसव्विद। इंसानी सेल आंख से नजर नहीं आता, वी कांट सी विद द नेकेड आई, लेकिन आप देखें उससे भी लाखों गुना छोटा उसके अंदर जीन है, उस पर पूरी इंसानी शक्ल और सूरत बनी है। हाउ पॉसिबल? ये किसने बनाया? हम तो एक चावल के दाने पर अगर सिर्फ कलमा लिखे दे तो हम समझते इससे बड़ा मुसव्विर कोई नहीं है। और तो देखें कि खुदा कितना बड़ा मुसव्विर है, तो ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है ना, इंसान के बस की बात तो नहीं है ये। आप कितने मर्जी ताकतवर हो, अपने अंगूठे से, उंगली से जरा ज़मीन में सुराख करके दिखाएं, लेकिन एक नरम सा पौधा, कोम्पल छोटा सा, आप उसको ऐसे आराम से तोड़ सकते हैं, वो ज़मीन फाड़ के पौधा निकलता है। ये ताकत उसको किसने दे दी और ये ताकत कैसे आई उसके अंदर? सूरज 600 मील पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहा है, अपने मंजिल की तरफ रवान दवा है। उसके साथ तकरीबन 27 मून हैं, प्लैनेट्स हैं, मेट्रॉन्स हैं, सब सफ़र कर रहे हैं, और इतने मुनज़्ज़िम, दिन भी आ रहा है, रात भी आ रही है, एक दूसरे के पीछे चले आ रहे हैं और आगे मूवमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को पकड़ नहीं सकता। एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, कोई उसमें आपको कमी बेशी, गलती, शॉर्टकमिंग, नुक्स नजर नहीं आएगा। अल्लाह की इस कायनात में कहीं नजर नहीं आएगा। समंदर के पानी को आप देख रहे हैं, मतलब अक्सर जब मैं सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ,
अरबों खरबों टन पानी है समंदर में, ना मीठा ना खारा, अगर मीठा होता तो उसमें बदबू आ जाती, खारा होता तो कोई जानवर उसमें जिंदा ना रह सकता। आप देख ले समंदर की दुनिया, अगर आप देखें इंसानी दुनिया से ज्यादा हसीन और खूबसूरत समंदर की दुनिया है। और आप गौर करें करोड़ों टन पानी हवा सारा दिन उसको उछालती है, क्यों? उसकी वजह से नीचे तक ऑक्सीजन जाती है, समंदर की तह तक ऑक्सीजन जाती है, रोशनी जाती है और नीचे वाली मखलूक जिंदा रहती है। ये कौन कर रहा है? इसका इतना बड़ा प्लानर कौन है? आखिर कोई तो है इतना बड़ा प्लानर जिसने इतनी बड़ी कायनात बगैर नुक्स के प्लान की है, और इसमें आपको कोई खामी नजर नहीं आएगी। और आप एक और गौर करें, अगर हम ये सोचते हैं कि खुदा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं। हम में से अक्सर नेकी करते हैं, हमें से किसी ने नहीं देखा होता, कोई उसका अजर नहीं है, कौन देगा? कोई देखने वाला जो नहीं। हमने बुराई की, किसी ने नहीं देखा, कत्ल किया, किसी ने नहीं देखा, तो इसका मतलब एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो हमें हर वक्त देख रही हो, हमारे हर काम को नोट कर रही हो, लिखा जा रहा हो हमारा हर काम। अगर हमने नेकी किया है तो एक वक्त में उस नेकी का बदला हमें दिया जाए, बुराई की है तो एक वक्त में उस बुराई की सज़ा मिले, तो फिर हर इंसान यह मुतमईन हो सकता है अगर हम ईमान रखेंगे कि बुराई करने वाले को उस बुराई का बदला ज़रूर मिलेगा और नेकी करने वाले को उस नेकी का बदला अच्छे अंदाज में ज़रूर मिलेगा। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें साबित करती हैं अल्लाह है, वही खुदा है, वही मालिक है। हमें बिल्कुल इस बात पे शक नहीं करना चाहिए कि हम खुद ब खुद बन गए। जब एक भी ज़र्रा कायनात में कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जो बगैर मकसद के पैदा की गई हो, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, हर चीज़ दूसरा किसी और मकसद के लिए है, किसी और इंसान के, किसी जानवर के, किसी और चिरिंद परिंद के फ़ायदे के लिए है, इंसान के फ़ायदे के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा मेरी तरह इस बात पे पूरा यकीन रखेंगे कि अल्लाह है और वही हमारा खालिक और मालिक है और राजिक है और वही इस पूरी कायनात का प्लानर है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।